आरबीआई इसको मॉनिटर नहीं करती। मेरे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं, मैं रेंट पे रहता हूँ। मैं 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। पाई पाई करके मैंने जमा किया था, मैं पहला घर इस नवरात्रि में लेने जा रहा था। मोदी जी प्लीज़ कृपा कीजिए, आपका बहुत हो चुका। आप जो है गरीबों के ऊपर बार बार वार कर रहे हो, इतनी बार वार कर रहे हो कि गरीबों को जीने नहीं देना चाहते हो। आप किसको, किसकी सरकार चला रहे हो, किसके लिए आए हो? हमने सोचा था, मैं आपका इतना बड़ा फॉलोअर था, आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, किससे भी पूछ सकते हो। मैं एक कट्टर मोदी पाद हूँ, लेकिन आज मैं रो रहा हूँ। मैं सभी मोदी भक्तों को बोलता हूँ कि अंधे भक्तों, आप लोग एक दिन कुएं में जाओगे, आप लोग मरोगे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री को रिप्लाई नहीं करें। आप ये प्रधानमंत्री सीतारमन जी बोलती है कि ये जो है अंडर ऑफ आरबीआई है, ठीक है, अंडर ऑफ आरबीआई है। बट आरबीआई से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इतने सालों से आप क्यों बैठे थे, चुप बैठे थे? 35 साल से बैंक चल रही है। मैं भी फाइनेंस में जॉब करता हूँ, मुझे मालूम है। एवरी ईयर ऑडिट होता है, तो चाहे कोई भी बैंक हो। आप जो है आप NBFCs को जो है बैन करते हो। NBFCs भी अपनी एफडी जो है गरीबों को दे रही है, वो अपने पैसे में से दे, वो चाहे जहाँ से ला के दे। NBFCs भी अपने ट्रिपल ई जो है NBFCs होती है, लाइक DHFL हो गया, इंडिया बुल्स हो गया, जो भी है।